अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। देखिए, आज ये राप्ती नदी में नाए जो है, घुसियार घाट बोलते हैं इसको, घुसियार घाट पे नाए। अभी हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि नाए इस इधर से उधर लेकर गए थे, अब उधर से इधर ला रहे हैं। देखिए, पहले बड़े लंबे उस तरफ से जब इस तरफ ले आएंगे तो फिर वहाँ से छोड़ेंगे, तब आके यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ पे आके रुकेगी। देखिए किस तरह से ये उधर से दूर लेकर जा रहे हैं। अभी आप लोग देखिए, देखिए शाम का टाइम है, ये सूरज अभी थोड़ी देर में डूब जाएगा, बस आधे पौने घंटे में, और ये लोग बस लगता है यहाँ से छोड़ेंगे। देखिए, हाँ, उन लोगों ने उधर से छोड़ दिया। अब ये नाए लोग उधर से इधर ला रहे हैं। देखिए, लग गया तो लग ही नहीं रहा है, वो लोग खाली पतवार से काम चला रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे इसी तरह का ब्लॉग देखने के लिए। देखिए किस तरह से ये लोग नाए उधर से इधर ला रहे हैं। ये भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी कुदरत है कि इतने भरे हुए पानी में इतने लोगों को लाद कर उधर से इधर ला रहे हैं लोग। ये मेरा रब, मेरे रब की बहुत बड़ी निशानियां हैं, पानी के ऊपर इस तरह नाए चलना। इस पर गौर व तफक्कुर, अगर अक्ल वाला इंसान है, गौर व तफक्कुर करे तो हैरान रह जाए। इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि गौर व तफक्कुर किया जाए, अल्लाह ताला की कुदरत पर गौर किया जाए और अल्लाह ताला की कुदरत को अपने दिल में बिठाया जाए कि किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह पानियों के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी नाएँ वगैरह इतने लोगों को लाद कर चलाता है। जो समंदरों में बड़ी बड़ी जहाज़ें चलती हैं, ये तो छोटी मोटी है, जो बड़े बड़े समंदरों में जहाज़ जो चलती हैं उनको भी अल्लाह ताला किस तरह समंदरों के ऊपर चलाता है। देखिए, ये लोग इस पार पहुंच गए हैं। ये है राप्ती नदी, किस तरह भरी हुई है। और ये देखिए, डूब रहा है सूरज, थोड़ा और बचा है, शाम का टाइम है। ये कितना खूबसूरत लग रहा है, देखिए डूबता हुआ सूरज कितना अच्छा लगता है। ये भी अल्लाह ताला की निशानी है, सूरज इस तरह किस तरह डूबता है, अल्लाह ताला डुबाता है, फिर इसे निकालता है, फिर डुबाता है। इस पर भी अगर एक अक्लमंद आदमी गौर करे तो अल्लाह ताला की कुदरत उसके दिल में बैठेगी। और ये देखिए पानी किस तरह बह रहा है। ये देखिए, ये सूरज, सूरज अल्लाह ताला की निशानियों में से बहुत बड़ी निशानी है। अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं, थोड़ा अक्ल लगाएं तो बहुत कुछ हमें इससे सबक मिलता है। अल्लाह ताला हर दिन एक नया सूरज निकालता है, फिर डुबाता है, फिर निकालता है, डुबाता है। देखिए ये राप्ती नदी, अब वो लोग इस तरफ से इस तरफ आ गए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो नई वीडियो को लेकर। जब तक आप लोग खुश रहें, आबाद रहें।